दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और दबाएं इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले। दोस्तों इस ब्रह्मांड में केवल दो सत्य हैं, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना भी सत्य है। इन दो बातों के अलावा मनुष्य जीवन में कुछ भी स्थिर या स्थायी नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है, जो आज जैसा है कल भी वैसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ एक चीज है जो हमेशा आपके जीवन में रहेगी और वो है चुनौतियाँ। जब तक जीवन है तब तक चुनौतियाँ हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने सामने आने वाली इन चुनौतियों से डर कर बैठ जाएं या दुखी होने लगे, जबकि इन चुनौतियों से होने वाला प्रभाव और पीड़ा आप स्वयं कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। ज्ञान और अंतर्दृष्टि। हम सूचना और प्रसारण के युग में रहते हैं, कभी कभार ये हमारे लिए भारी भी पड़ता है, लेकिन अगर आपको अपने आसपास के माहौल की सही जानकारी है तो आप भविष्य में मिलने वाली चुनौतियों को कम कर सकते हैं। आप पहले से ही सतर्क रहकर उस समस्या से खुद को बचा सकते हैं और फिर उससे बाहर निकलने के लिए कोई योजना बना सकते हैं। जब आप उस समस्या से बाहर आने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो निश्चित तौर पर कोई चीज आपके हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। जीवन में बदलाव। जब आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सामने बहुत सी समस्याएं या चुनौतियां आती हैं। उदाहरण के लिए जब आप जिम जाने या डाइट करने का भी प्लान बनाते हैं तो भी आपको अपनी पिछली दिनचर्या से बाहर निकलने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन स्वयं पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए इस समस्या का एकमात्र समाधान है। किसी बुरी आदत को छोड़ना भी मुश्किल होता है और किसी नई आदत को अपनाना भी। अगर आप अपनी आदतों को स्विच करते हैं, उनमें बदलाव करते हैं तो उसका फायदा आपको ही मिलेगा। जैसे कि अगर आपको शराब पीने की आदत है या आप धूम्रपान करते हैं तो उसे छोड़कर आप पेंटिंग करने या डांस करने की आदत डाल सकते हैं। उपभोग करना। उपभोग करना दो तरीके से होता है, बहुत ज्यादा उपभोग करना या फिर बहुत कम उपभोग करना। हो सकता है आप बहुत ज्यादा खा रहे हों और ये भी हो सकता है कि आप बहुत कम भोजन ग्रहण कर रहे हों। ज्यादा पानी का उपभोग या कम पानी का उपभोग, ज्यादा खरीदारी करना या फिर कम खरीदारी करना। उपभोग के अर्थ को आप इन दो तरीकों से समझ सकते हैं। आप अपने जीवन की चुनौतियों को इस तरह भी समझ सकते हैं और साथ ही कम भी कर सकते हैं कि आपको किस चीज की कितनी जरूरत है और आपको उसका कितना उपभोग करना चाहिए ताकि भविष्य में आपके सामने कोई संकट की स्थिति न आए। धैर्य और दृढ़ता। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जो चाहें वह उसी समय हासिल कर लें जब आप चाहते हों। सोचिए अगर वाकई ऐसा होने लगे तो ना तो आपके पास कोई उद्देश्य होगा और ना ही जीवन व्यतीत करने का कारण। अगर आपके मस्तिष्क में कोई बड़ा उद्देश्य है तो आपको उसे हासिल करने के लिए थोड़ा धीरज रखना ही होगा। इसके अलावा आपके पास उस उद्देश्य को हर हाल में प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय होना भी बेहद अनिवार्य है। निष्कासन। जीवन में कुछ ऐसी भी समस्याएं आती हैं जिन्हें आप चाहकर भी समाप्त नहीं कर सकते। ऐसे स्थिति में आपको कठोर निर्णय लेने ही पड़ते हैं और यकीन मानिए ये कठिन निर्णय ही बड़े प्रभाव लेकर आपके जीवन को मजबूत बनाते हैं। कभी कभार दोस्ती समाप्त होती है, कभी कोई निजी रिश्ता टूट जाता है, कभी आपको कोई ऐसा करियर छोड़ना पड़ता है जिसका आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो। आपको जीवन में उन सभी चीजों से मुक्ति पानी आनी चाहिए। उन बुराइयों को अपने जीवन से बाहर करना आना चाहिए जो आपको परेशान कर रही हैं या जो आपकी खुशियों की राह में बाधक है। तो ये थे दोस्तों, इस तरह आप अपने दुख को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी, आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।